हेलो, कैसे हैं दोस्तों? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपका मोस्ट वेलकम है PPGS यूट्यूब चैनल के अंदर, और मैं सभी को थैंकफुल बोलता हूं। इतनी अधिक सब्सक्राइबर आपने इतने कम समय के अंदर करवा दिए, उसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे आपके प्रिय फेस्टिवल, किसकी? आप सोच रहे होंगे तीज फेस्टिवल की, जो कि अपने बहुत ही भारत में धूम धड़ाके से मनाया जाए, इसे बहुत ही हर्षोल्लास से तीज मनाई जाए। सर भाई साहब, मैं क्या कहूँ तीज के बारे में, तो आई रे तीज। आज अपना टॉपिक है आई रे तीज, आई रे तीज। तो तीज विशेष रूप से मनाई जाती है। अब ये तीज अपने 23 जुलाई को मनाई जा रहे हैं। इस साल अपना तीज 23 जुलाई ने मना रहा था, और भाई ये ने हरियाली तीज भी कैसे, हरियाली तीज क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो लगातार चारों ओर बारिश हो जाए, और बारिश होना से चारों तरफ हरियाली हरियाली छा जाए, इसलिए ने हरियाली तीज भी कहा था कि चारों तरफ हरियाली हरियाली नजर आ जाए, बारिश को मौसम रहे, श्रावण को महीना रहे, यानी श्रावण मास की, या कब मनाया जाए, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय को मनाई जाती है, क्योंकि श्रावण को महीना चल रहा है। श्रावण का महीना तो वैसे बहुत ही अच्छे महीनों से, बहुत ही रिमझिम बारिश को महीनों रहते, तो श्रावण मास की भी शुक्ल पक्ष की तृतीय को मनाया जाता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय को यह श्रावण या मनाई जाए। से मुख्य रूप से हरियाली तीज भी की थी, यानी श्रावणी तीज भी की थी, अरे कजली तीज भी की थी। तीन चीज याद रखिए, हरियाली तीज, श्रावणी तीज और कजली तीज, अन्य तीन नामा से जानी जाए से। अब इसमें जो हमारी महिलाएं थी, महिलाएं तो भाई सब त्यौहार अच्छा थी, लेकिन तीज तो और विशेष रूप से पसंद रहे। महिलाएं क्या करती, व्रत रखती है। महिलाएं सुबह नहा धो के अपना सारा काम निपटा कर मंदिर वंदिर जाती हैं, और व्रत रखी थी, और भाई और शिव तथा पार्वती की पूजा करी थी। शिव व पार्वती की विशेष रूप से पूजा करी थी महिलाएं नहाए धोकर। कई कुछ महिलाएं तो निर्जल मतलब निर्जला व्रत करती है, अर्थात मतलब जल का सेवन भी नहीं करती हैं। इस दिन ये अपना व्रत रखती हैं, मंदिर जाती हैं, और शाम व्रत खत्म करती हैं तब शिव पार्वती की कहानी वगैरह सुनती हैं। यहाँ के पीछे मान्यता यह है कि पार्वती ने शिव ने पति का रूप में पाने के लिए जो है ना मुख्य रूप से कई मुख्य रूप से इस व्रत वगैरह ने करे थे, तो ये व्रत ये मतलब मनायो जाए। से मुख्य रूप से कुंवारी जो कन्याएं, कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं। भाई कुंवारी कन्या इसलिए रखी थी कि हमने एक अच्छे से पति मिला, इसलिए कुंवारी कन्या भी व्रत ने रखी थी। इस दिन मुख्य रूप से हम बात का पतंग बहुत उड़ाई जाए से, भाई लगभग सब जगह मुख्य रूप से पतंग उड़ाई जाए, राजस्थान में जबरदस्त तरीका से पतंग उड़ाई जाए से, तो इस दिन पतंग उड़ाया जाता है। इस दिन महिलाएं झूला झूलती हैं, झूला भी आपने देखा है, और अब तो भाई झूला का महंगा, पहले तो बहुत जबरदस्त झूला झूला करता महिलाएं, पुरुष लंबा 15-20 दिन पहले झूलो घाल लिया करता, झूला झूला करता, तो महिलाएं झूला भी झूलती हैं, पुरुष भी झूले से, पुरुष कहाँ पीछे रहे भाई। और राजस्थान में विशेष रूप से पतंगबाजी की जाए, राजस्थान में तो विशेष रूप से त्यौहार पर पतंगबाजी बहुत ज़्यादा की जाए। मुख्य रूप से आप याद देखो अपने, एक तो घेवर फिरनी जो कि खोआ के बनी रही, घेवर फिरनी विशेष रूप से खाई जाए, और जो भाई अपने आपस में जो रिश्तेदारी थी उनको उसके तहत भी ये आपस में घेवर और जो फिरनी वगैरह पहुंचाई जाए, से खेवा की मतलब मुख्य रूप से मिठाई से जो कि त्यौहार को पूर्व को बनाई जाए। से महिलाएं मेहंदी वगैरह लगाती हैं और गुड लुकिंग कपड़े पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, विभिन्न खेलों का आयोजन भी करो जाए से, यानी कि इस दिन विभिन्न प्रकार के जो ना खेलों का आयोजन किया जाता है। पहले समय के अंदर जाते हैं गुड्डा गुड्डी बनाए जाते थे, उनका शादी विवाह करवाया जाता था, लेकिन अगर हम गाँव की बात करें तो गाँव में विशेष रूप से शाम में दंगल कुश्ती लड़ी थी, बड़ा बड़ा मेला आयोजित कराया जाए थी, तो यह चीज़ को अंदर भी, और फिर विभिन्न प्रकार का गांव के अंदर दंगल लगा करता वो भी आयोजित कराया जाए, विभिन्न प्रकार खेल आयोजित किए जाते हैं। जयपुर में विशेष रूप से पतंगबाजी करी जाए, इसमें अभी आपने बताया दी, तीज के साथ ही त्यौहार की शुरुआत मानी जाए, यानी यूँ माना जाए भाई तीज जो आओ से तीज के साथ त्यौहार सारा त्यौहार को एक प्रकार को शुरुआत है, जैसे गणगौर आओ से गणगौर के साथ तीज समाप्त है जैसे, तीज जो आओ से समझ लो त्यौहार लेके आओ सर, गणगौर आओ मतलब त्यौहार आने लेके जाए से। तो भाई तीज मनाओ, हर्षोल्लास के साथ मनाओ, एंजॉयमेंट के साथ मनाओ। वंदे मातरम, लाइक शेयर कर दो।